किसान हर साल लोहड़ी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते किसानों की लोहड़ी के त्योहार का रंग फीका पड़ गया है। बता दें कि शंभू टोल प्लाजा पर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज 3 कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। किसानों का कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, लेकिन उनका मकसद 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने का है। किसान नेता गुलाब सिंह ने कहा कि 3 कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर आज उन्होंने लोहड़ी का त्योहार मनाया है और कल से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर का पुतला भी फूकेंगे। जी, ये लोहड़ी एक खुशियों का पर्व है और स्पेशली पंजाबियों का तो बहुत बड़ा पर्व है। हम लोहड़ी को खुशी के तौर पर नहीं मनाते। जब आज हमारे किसान भाई, हमारे बच्चे, नौजवान इन काले कानूनों के विरोध में वहाँ अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं और हम यहाँ लोहड़ी मनाएं, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। आज हम लोहड़ी एक जो काले कानून की प्रतियां हैं वो जला रहे हैं और रेवड़ियाँ बांटने की बजाय हम यहाँ जो काले कानूनों के खिलाफ जो सामग्री है हम वो बांट कर लोहड़ी मना रहे हैं। क्या आगे का प्रोग्राम यही रह गया जी? हर रोज कल से हम पहले प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाएंगे और लाइकवाइज या अपना अमित शाह का, अपना खट्टर का, जैसे भी प्रोग्राम चलता रहेगा तो इनके पुतले जलाकर हम इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। डेली जलाया करेंगे जी। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो जजमेंट है, तो बहुत किसानों ने और बहुत लोगों ने इसकी सराहना की थी। वो तब तक सराहना थी जब तक इन्होंने कमेटी का नाम नहीं लिया था। जो ही 4 मेंबर कमेटी का नाम सामने आया तो लोगों को सुप्रीम के कोर्ट के पर भी शंका हो गई कि जो 4 व्यक्ति इस काले कानून के समर्थन में थे उन्हीं को इस कमेटी का मेंबर बना दिया। हमको ये कतई मंजूर नहीं। हम इस कमेटी के सामने बिल्कुल नहीं होंगे और हम इस कानूनों के खिलाफ तब तक लड़ेंगे तब तक ये वापसी नहीं होते। तब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं।